एडवर्ड एंड गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है पोको C3 फोन, और अगर आप इस फोन को लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि फोन के अंदर वाईफाई को लेके एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तो गाइस आपकी मर्जी है, चाहे आप वीडियो स्किप करके आगे देख लो या फिर वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो गाइस फोन आता है सिर्फ 8,500 रुपए का, और 8,500 रुपए में आपको 4GB RAM, 64GB स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी, AI ट्रिपल कैमरा और 6.57 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। और गाइस ये रहा इसका येलो कलर का बॉक्स मेरे हाथ में। तो गाइस चलो फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और फिर सारी बातें करते हैं कि एक्चुअल में ये फोन कैसा है। तो गाइस ये रहा हमारे हाथ में येलो कलर का बॉक्स, आप साफ साफ देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। और फोन के बॉक्स के पीछे डिटेल्स है, जैसे इसमें मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर है, 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा है, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज, और जो इसका कलर है उस कलर का नाम है आर्टिक ब्लू। तो गाइस चलो बॉक्स को फटाफट से ओपन करते हैं। तो जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे, ये रखा आपका फोन, अभी रखते हैं इसे साइड में। उसके साथ में आपको एक एक्स्ट्रा पार्टीशन मिल जाता है जिसमें सिम इजेक्टर पिन है और मैनुअल है। उसके नीचे आपको एडाप्टर मिल जाता है जो कि 10 वॉट का है। उसके बाद केबल मिल जाती है, और ये केबल है माइक्रो USB to USB Type-A। और गाइस इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये रहा फोन मेरे हाथ में, आप देख सकते हो पीछे से इसका कलर कितना ज्यादा ऑसम है। आई डोंट नो कैमरा इसे जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, बट जेन्युइनली फोन का कलर काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है मेरे को। नीचे की साइड 70% में इसमें पैटर्न दे रखे हैं और ऊपर की साइड सिंबल दे रखा है। तो गाइस फिर देरी किस बात की, चलो फटाफट से मैं तुम्हें फोन का ओवरव्यू देता हूँ। फोन की बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा विद LED फ्लैश। राइट साइड में आप देख सकते हो वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन है। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है। चलो मैं आपको सिम ट्रे ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप सिम ट्रे बाहर निकालोगे, उसमें 2 SIM 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है, मतलब आप फोन के स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो। और गाइस फोन के नीचे की साइड आपको माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा। ऊपर की साइड आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाएगा। बट गाइस मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है पोको वालों को इस फोन के साथ एटलीस्ट एक एयरप्लग देनी चाहिए थी, क्योंकि यार जो बंदा 8,500 रुपए का फोन खरीद रहा है उसके लिए तो बॉक्स में एयरफोन देनी चाहिए। और इन सारी बातों के बाद अब बात करते हैं फोन के डिजाइन के बारे में। गाइस मैं पहले भी बता चुका हूं, फोन की बैक साइड में 2-tone डिजाइन मिलता है, नीचे की साइड पैटर्न, ऊपर की साइड सिंपल। और फोन का कलर यार मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, देख सकते हो फोन पीछे से काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है, और कलर की तो बस बात ही छोड़ो यार। गाइस इस फोन की स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है। फोन में आपको 4GB RAM, 64GB स्टोरेज मिल जाएगी, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 5000mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, MIUI 12 का सपोर्ट मिलेगा, एंड्रॉइड 10 मिलेगा। और गाइस ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा तगड़ी है फोन की प्राइस के हिसाब से। और गाइस अगर फोन के परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया फोन के अंदर मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर मिलेगा, ये एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है। इस वाले प्रोसेसर के साथ आप PUBG या फिर COD ऐसे गेम लो ग्राफिक सेटिंग में खेल सकते हो। और गाइस फोन का यूजर इंटरफेस भी मेरे को काफी ज्यादा तगड़ा लगा। इसी बजट में आता है मोटोरोला G9 जिसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, बट उसका यूजर इंटरफेस मेरे को इतना सा भी पसंद नहीं आता, तो उसके कंपेयर में ये वाला फोन तो काफी ज्यादा सही लगा मेरे को। और अगर कैमरे की बात करूं तो आपको इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट, और उसके साथ आपको एक LED फ्लैश भी मिल जाएगी। और गाइस फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। और गाइस ये रहे फोटोज के काफी सारे सैंपल्स, आप देख सकते हो कि इसमें फोटोज कैसी आती है। बट तुम्हें एक चीज बताऊं, जब तुम इस फोन का कैमरा ओपन करके फोटो क्लिक करने का ट्राई करोगे तो फोटो काफी ज्यादा भद्दी लग रही होगी, बट जैसे आप फोटोज को क्लिक कर लोगे तो फोटो काफी ज्यादा सही हो जाती है। और अगर गाइस वीडियोस की बात करो तो वीडियोस भी काफी ज्यादा सही रिकॉर्ड कर रहा है। और गाइस अब बात करूं फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो गाइस फोन के अंदर 6.53 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसका एक्सपेक्ट रेशियो 20:9। और गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है। और गाइस इस डिस्प्ले के साथ इस फोन में आप YouTube पे 720p तक वीडियो प्ले कर सकते। और गाइस अगर फोन की बाकी सारी चीजों के बारे में बात करूं तो फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, उसके साथ फोन के अंदर आपको जायरोस्कोप भी नहीं मिलेगा। जो बंदे पबजी खेलते हैं उन्हें पता होगा कि पबजी में जायरोस्कोप कितना ज्यादा यूज होता है। फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। बट गाइस अब बात करते हैं फोन के वाईफाई मेजर प्रॉब्लम के बारे में। गाइस मेरे घर के अंदर जो वाईफाई है वो 2 सिग्नल
देता है, एक 5G और एक 2G। तो जितने भी पुराने फ़ोन हैं उसके अंदर 5G शो नहीं करता, सिर्फ 2G शो करता है। बट जब मैं इस फ़ोन को अपने वाईफाई के साथ टेस्ट कर रहा था, तब मैंने देखा इस फ़ोन के अंदर 5G शो नहीं कर रहा, जबकि इस फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ 5.0 और वाईफाई 5.0 का सपोर्ट है। और जब मैंने अपना मोटोरोला G9 भी टेस्ट किया, तो मोटोरोला G9 के अंदर 5G शो कर रहा था, बट इस फ़ोन के अंदर 5G शो नहीं कर रहा था। तो गाइस, ये चीज़ मैं आपको अभी के अभी क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपके घर में भी 5G वाईफाई है, तो इस फोन के अंदर 5G का सिग्नल शो नहीं करने वाला। बट गाइस, दिस फोन इज कम्प्लीटली गुड। अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा सॉफ्टवेयर और अच्छी बैटरी 8,500 रुपए में आपको मिल रही है। तो मैं इस फोन को 100% आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने छोटे मोटे कामों के लिए ये फोन खरीद सकते हैं। मेरे को 8,500 रुपए में ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा लगा। और गाइस, मैं बता दूं, ये फोन मैंने अनबॉक्स किया था आज से 1 महीने पहले। बट मैं हूँ आलसी यूट्यूबर, इस फोन की वीडियो आज शूट हो रही है और आई थिंक कल या परसों तक ये वीडियो आ जाएगी। बट मैं आपसे ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? खैर, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये आपको फोन कैसा लगा। आप कमेंट्स में अपने सारे थॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, लाइक नहीं कर सकते तो गाइस डिसलाइक करके जरूर जाना। और ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके पास ये फोन है या फिर जो ये फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं। उन्हें बताओ तो सही कि इसमें वाईफाई को रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। एंड गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम विद मी ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ऐसी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में।